वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट. इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू कंटिन्यू अवर चैप्टर नंबर 12, दैट इज वेट एंड एक्सरसाइज नंबर 12.2 ऑफ दिस चैप्टर. चैप्टर इज 12, एक्सरसाइज नंबर 12.2. एंड अवर प्रीवियस क्लास आई हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, एंड स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6. ओके, क्वेश्चन 6 इज सविता परचेज 2 kg कॉलीफ्लावर एंड 4 kg कुकुम्बर, 3 kg 700 g यम एंड 2 kg 900 g अदर वेजिटेबल्स. फाइंड आउट द वेट इन हर बैग. तो वो पर सविता है वो मार्केट जाती है, वो अलग अलग क्वान्टिटी में वेजिटेबल्स परचेज कर रही है. कुछ तो वो कॉलीफ्लावर ले रही है, कुछ कुकुम्बर ले रही है और कुछ यम ले रही है और कुछ क्वान्टिटी में वो अदर वेजिटेबल्स ले रही है. तो इन सबको मिलाकर यहाँ पे आपको बताना है कि अगर वो उसको एक बैग में रखेगी, किसी ना किसी बैग में तो रखेगी ना उन चीज़ों को, उसने तो परचेज़ किया है, तो उस बैग का वेट कितना होगा. तो जब सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी होगी, कलेक्ट उनका सबका कलेक्शन हो जाएगा, तो वो क्या चीज़ करना पड़ेगा, आपको प्लस करना पड़ेगा. प्लस में क्या करोगे आप, एडिशन. ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 7, 6 to एक्सकेप 6, 7, 11 and 13. 6, 7, 11, 13 इन 4 क्वेश्चंस में आपको एडिशन ही करना है. देखो मैं आपको रीड करके बता दूँगी. अदर क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ये अलग है और क्वेश्चन नंबर 12 में आपको अदर कुछ और करना है. अदरवाइज बाकी सब में आपको 6, 7, 11 और 13 में आपको प्लस करना है. मैं आपको रीड करके बता देती हूँ. हरीश परचेज क्वेश्चन नंबर 7, हरीश परचेज 2 kg 500 g टर्मरिक, 5 kg 200 g चिली, 4 kg 700 g कोरिएंडर एंड 10 kg सॉल्ट. ये अलग अलग क्वांटिटी में वो चीज़ें ले रहा है, ठीक है. व्हाट इज़ द वेट ऑफ टोटल आइटम्स. टोटल आइटम्स मीन्स प्लस करना है कि इन सबका वेट आपको बताना है टोटल आइटम्स का. ओके, नेक्स्ट जिसमें मैं बोल रही हूँ 11th क्वेश्चन, उसमें भी प्लस होगा, इसको भी देख लेते हैं. The weight of cement is 250 kg 500 g and weight of sand is 150 kg 750 g. Find out the total weight. Again इसमें है कि आपको total weight बताना है sand और cement का. Okay. Next question 13. Geeta's bag weight is 3 kg 500 g and her brother's bag weight is 4 kg 750 g. So then find the total वेट ऑफ बोथ द बैग्स. सो दोनों बैग्स का वेट पर फाइंड करना है. सो जब सब में आपको टोटल कुछ भी वेट फाइंड करना है, सब में आपको वेट ही फाइंड करना है, तो वेट में आपको टोटल का ही फाइंड करना है. तो चारों क्वेश्चन में क्या होगा, एडिशन होगा. सो इनमें से कोई भी हम कोई भी क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी अदर देन भी इसी के जैसे होंगे. सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. ओके, तो हम कर लेते क्वेश्चन नंबर 7. ओके, सो यहाँ पे है वन साइड आई एम राइटिंग kg एंड वन साइड अदर साइड ग्राम. एंड फर्स्ट ही परचेज टू टर्मरिक. टर्मरिक मीन्स हल्दी, 2 kg 500 g. ओके, एंड देन चिली एंड मिर्च 5 kg 200 g चिली. नेक्स्ट कोरिएंडर मींस धनिया 4 kg 700 g ये स्पाइसेस पर चूज कर पाए, ठीक है. एंड 10 kg सॉल्ट, नमक 10 kg. इस
तरीके से अरेंज करेंगे, 0 वन स्पेस है, अदर जो डिजिट है वो वन स्पेस पहले वाली डिजिट है इसमें, और ग्राम में कुछ भी नहीं है, तो जहाँ पे ग्राम में कुछ नहीं है तो 30 लगा देंगे क्योंकि अदर में भी 3 डिजिट है इसलिए। एंड फाइंड द टोटल वेट ऑफ दिस आइटम। जो वेट है उसकी चीज़ें खरीदे कि वो 9 बन जाए, तो पहले तो जो उसने चीज़ें परचेज करी है हम वो करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 12, वन साइड किलोग्राम, अदर साइड ग्राम। अब उसने जो चीज़ें पहले परचेज करी है उसको हम लिख देते हैं, पोटैटो बनाना है वेट ऑफ दीज आइटम। और यहाँ पे इसमें नहीं लिखी, इसमें भी नहीं लिखा रही मैं, यहाँ पे 5 को 800 से माइनस इस वजह से करेंगे क्योंकि हमें वैसे ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या हो गया, 8 8 माइनस 5, 3 किलोग्राम 200 ग्राम जो है मैं, हाउ मच वेट शी शुड बाई टू मेक इट 9 मिल जाए, उसके लिए कितनी और चीज़ें खरीदने की ज़रूरत है, 3 किलोग्राम 200 ग्राम वेट शी शुड बाय करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10,
these questions we will do in our next class. So all of the students only do these question number 7 and 12 in your copy. Thank you.